जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले 2 से 3 महीनों से अभी जो दार्जिलिंग का पूरा क्षेत्र है आंदोलनरत हैं लोग वहां पर, जो पूरा जनजीवन वहां पे अस्त व्यस्त है, पूरा जनजीवन ठप पड़ा हुआ है। 83 दिनों से लोग वहां पे आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन फिर भी लोगों की ये शिकायत है कि वहां की सरकारें कुछ नहीं सुन रही है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि वहां पर 83 दिनों में, जैसे कि अभी हमारे साथ में गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्यों में से एक और आप इसमें मुख्य सलाहकार भी हैं चिरंजीव शर्मा जी हैं हमारे साथ, माफ कीजिए राजीव शर्मा जी हैं हमारे साथ में। और आपका जैसे बताना है कि 12 लोगों की 83 दिनों में सीआरपीएफ और पश्चिम बंगाल की पुलिस की गोलियों से मौत हो चुकी है। और अब जब वहां की सरकारें और राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है, तो ऐसे में अब पूरे गोरखालैंड की मांग करने वाले लोग और उस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग पूरे देश व्यापी एक आंदोलन चलाना चाहते हैं। और अब वो उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं कि ताकि सरकार और मीडिया मिलकर के उनकी आवाज को आगे बढ़ाए, उनकी आवाज आगे तक पहुंचे, राष्ट्र लेवल तक ये आंदोलन फैले। इसी क्रम में अब वह हर राज्य में जाकर के अपने इस अभियान को बढ़ा रहे हैं। अब युवा कंधों पे ये जिम्मेदारी आ गई है। इसी क्रम में आज हमारे साथ में है राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव जी जानना चाहेंगे कि जो आपकी जो आगे की रणनीति है, देशव्यापी आंदोलन आप जो करने जा रहे हैं, वो किस तरह से आंदोलन आप करेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, अब तक जितने भी आंदोलन हुए, इस बार के आंदोलन को छोड़ के, अभी राष्ट्रव्यापी की ओर है, अग्रसर है हम, पर जितने भी आंदोलन पहले हुए हैं उनमें ये हुआ कि हमारा आंदोलन एक राज्य में एक जिले में सीमित रह गया, तो उसको ठीक से कवरेज नहीं मिला, जो अटेंशन मिलना चाहिए था नहीं मिला। और आज 110 साल हो गए हैं हमें इस मांग को लेके लड़ते हुए, हमारे पुरखे इसी मांग को लड़ते लड़ते गुजर गए। पर और मॉडर्न हिस्ट्री में गोरखालैंड की मांग सबसे पुरानी मांग है जो पूरी नहीं हो पाई है। तो हमें ये लगता है, गोरखा संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से हमें ये लगता है कि इस बात को कि गोरखालैंड होना चाहिए एक जायज डिमांड है और बहुत ही जरूरी है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन होना बहुत जरूरी है। हम एक जगह सीमित ना रह के पूरे सारे भारत में हर 29 राज्य में हमारा आंदोलन फैले और लोगों को हम एजुकेट करा सके, बिकॉज एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मीडियम है जिससे हम सामने वाले को ज्ञान दें, हम सामने वाले को एजुकेट करा सकें कि क्यों हमारे लिए एक राज्य का गठन करना इतना महत्वपूर्ण है। तो वो बात आम जनता को, जब आवाम को समझ में आएगी तो सरकार को भी शायद समझ में आ जाए। तो क्या आपके साथ में, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको रोक रहा हूँ, कि पूरे देश में जो एक आंकड़ा आता है कि 1.5 करोड़ से ज्यादा गोरखाओं की संख्या है, उसमें से अकेला अगर उत्तराखंड में, आप मेरे साथ अभी उत्तराखंड में बात कर रहे हैं, देहरादून में हम हैं, तो उत्तराखंड में इसकी जो संख्या है गोरखा समुदाय की 15 लाख के आसपास बताई जाती है, तो क्या यहाँ से भी आपको ऐसी उम्मीद है, यहाँ से भी कोई ऐसा भरोसा आपको दिया गया यहाँ के गोरखा समुदाय के लोगों के द्वारा? उत्तराखंड तो भूमि ही वीरों की भूमि है, ना केवल देव भूमि, ये वीरों की भी भूमि है। यहीं से गोरखा राइफल्स में, डिफेंस में और भी रेजिमेंट्स में लोग गए हैं। आप देहरादून में कहीं भी घूमिए, कई जगह आपको द्वार मिल जाएंगे जहां पे गोरखाओं का इतिहास जो आपको दर्शाता है, ये शहीद द्वार, वो शहीद द्वार आपको मिलेगा, उन्हीं के नाम पे कई द्वारों को, गेटों को बनाया गया है। इसका अर्थ ये है कि जब गोरखा राइफल्स के लोग यहाँ पे, जब गोरखाली जाति के लोग यहाँ पे देश के लिए इतने आगे बढ़ के सेवा में लगे, आज से नहीं, जमाने से, देश के आजादी के आंदोलन में भी आगे, बहुत आगे नाम आता है श्री मेजर राम सिंह ठकुरी का, दुर्गा मल्ल का, खलंगा का। हाँ, तो हमारी जाति ने देश के आजादी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है और देश की सिक्योरिटी में भी बहुत ही, आज भी इंपॉर्टेंट रोल हम अदा कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ इस्तेमाल करके ना छोड़ा जाए ऐसा एहसास भी अब आने लगा है, पर देशभक्ति में हम कभी पीछे नहीं रहे और उत्तराखंड इसका एक जीता जाता इतिहास रहा है। तो यहाँ जो लोग हैं, पर प्रॉब्लम एक है कि हिंदुस्तान में हम कहीं भी गोरखे रहे, 1.5 करोड़ से भी ऊपर है, कहीं भी रहे, आइडेंटिटी क्राइसिस है। हमें अब भी नेपाली सिटीजन माना जाता है, हम किसी से बात रखते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हम यहाँ के नहीं, नेपाल के हैं, यहाँ भी वो दिक्कत है।
तो एक आइडेंटिटी जो क्राइसिस है वो पूरे हिंदुस्तान में सभी गोरखाओं को है। और यही बात उत्तराखंड में जितने भी गोरखाओं से मैं मिलता हूँ, मीटिंग करता हूँ, सभी को यही एहसास है। तभी आप देखिए, जब इस बार जो रैली हुआ, तकरीबन 8-10 हजार लोगों ने रैली किया 2-2.5 महीने पहले, यहाँ जब रैली हुआ था गोरखालैंड के समर्थन में, कैंडल लाइट रैली भी हुआ और पीस प्रोसेशन भी हुआ, और लोग काफी उत्साहित है। सभी को लगता है एक राज्य बने तो एक आइडेंटिटी मिल जाएगी, एक एक, एक इज्जत मिलेगी, एक सम्मान मिलेगा, हमें देश प्रेमी होने का प्रूफ देना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि जैसे गोरखालैंड की, जैसे आप भाजपा की सरकार बनी, जैसे इससे पहले भाजपा के आपके सांसद वहां से गए हैं, कोई ऐसा कमिटमेंट आपके साथ किया गया है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब सेंटर में बनेगी तो आपको इस तरह से, तो राजनीतिक समीकरण क्या लग रहे हैं आपको? आप जो आंदोलन के मुखिया लोग हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय जो केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी सरकार है, और वहां पे ममता बनर्जी की सरकार है राज्य में, दोनों सरकारों के आपसी मेल से ही और एक सामंजस्य से ही आप गोरखालैंड राज्य बन पाएगा? जैसे कि उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना है, तो कहीं ना कहीं राज्यों की भी उसमें अहम भूमिका होती है। तो आपको क्या लगता है इस राजनीतिक समीकरण के बारे में, आपको क्या लग रहा है इसमें, थोड़ा बताएं? आपने 2-4 प्रश्न एक साथ पूछे, कोशिश करूंगा उसी क्रम में जवाब भी दे सकूं। पहला प्रश्न, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कमिटमेंट या वादे की बात करते हैं। 2009 में जब इलेक्शन मैनिफेस्टो बना था, उस मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा गया था कि अगर भाजपा सरकार सेंटर पे आती है, भाजपा सरकार बनाने में सक्सेसफुल रहती है, तो गोरखालैंड और तेलंगाना दो राज्य गठन किए जाएंगे। गोरखालैंड तो बन गया, सॉरी माफ कीजिएगा, तेलंगाना तो बन गया, बनना गोरखालैंड को था पहले, तेलंगाना बन गया, बहुत अच्छी बात है, गोरखालैंड का मसला वहीं रह गया। उसके पश्चात अब कहीं ना कहीं वादा खिलाफी हुई है, क्योंकि उस समय प्रकाश जावड़ेकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, उसमें कहा था कि दो राज्य का गठन किया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर काफी सीरियस है, जो सरकार भी नहीं बनी खैर। और जब 2014 में बनी, जब इलेक्शन से पहले मोदी जी आए थे हमारे उधर दार्जिलिंग हिल्स और एरियाज में, डुवर्स तराई में, उन्होंने ये कहा था, गोरखाओं का सपना मेरा सपना है, और ये जावड़ेकर जी ने बोला, नहीं ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था 2014 के इलेक्शन से पहले, और मैं इस सपना को पूरा करूंगा। वो पूरा नहीं हो पाया, और आज गोरखालैंड के मुद्दे पे मोदी जी बिल्कुल चुप हैं। 12 लोग सीआरपीएफ या पश्चिम बंगाल पुलिस की गोली से मारे जा चुके हैं, वो कोई टेररिस्ट क्षेत्र तो नहीं है। गोरखाओं जितने अन्य जाति के लोग देश प्रेमी हैं, उतने ही गोरखा भी देश प्रेमी, उतने ही देश प्रेमी हैं, उतने ही हिंदुस्तानी हैं। कहीं भी कोई त्रासदी होती है, सरकार आगे आके उस पर कुछ ना कुछ बयान देती है। अभी आप लगा लीजिए राम रहीम का जो मुद्दा हुआ था, उस पर भी मोदी जी बोले, परंतु पिछले 82-83 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, दार्जिलिंग हिल्स में स्ट्राइक है, इंटरनेट बंद है, केबल बंद है, लोग मारे जा चुके हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, सीआरपीएफ गोली मार रही है, पश्चिम बंगाल पुलिस गोली मार रही है। 2 दिन पहले हमारे युवा भाई दावा भुटिया, उनको गोली मार के हत्या की गई पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा, और वो भी पश्चिम बंगाल में नहीं, सिक्किम में। और सिक्किम पुलिस ये कहती है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने परमिशन नहीं लिया था अटैक करने का, जिन पे अरेस्ट वारंट आया था उनका हवाला देते हुए पश्चिम बंगाल पुलिस सिविल ड्रेस में पहुंची सिक्किम, और वहां पे बिल्कुल ताना से जंगल राज चल रहा है। तो अब समय आ गया मोदी जी अपने हमारे सपनों को साकार करें। तो अभी जैसे 2019 का चुनाव नजदीक है, तो क्या आपके अब क्या लग रहा है, अब क्या देखिए, वो वादा रहेगा नहीं? अब देखिए, तो अगर भाजपा सरकार को ये लगता है कि 2019 में इलेक्शन होंगे, उसके बाद हम सोचेंगे, पर आप ये देखिए, पश्चिम बंगाल का इलेक्शन का ये सिस्टम है, 2021 मिड में शायद या 22 में स्टेट इलेक्शन होगा, 19 की आप वेट कर रहे हैं, तो फिर 21 का भी फिर वेट करेंगे, फिर तो ये तो चलता रहेगा। इसको आप न्याय को देखिए, न्याय में अगर देरी हो तो समझना चाहिए न्याय देने की नियति नहीं है, हम तो यही समझेंगे। अगर न्याय देने की नियति है तो देरी क्यों हो रही है? न्याय तो समय देख के नहीं आता, आप न्याय तो सर्वोपरि होना चाहिए, राइट? तो उस हिसाब से
हमें कहीं ना कहीं लगता है केंद्र सरकार को अब, क्योंकि अब राजनाथ सिंह से दार्जिलिंग हिल्स के कुछ लीडर आए थे, मिले थे, उन्होंने ये कहा कि आप राज्य सरकार से बात कीजिए, ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर है। उसके बाद एक टीम दार्जिलिंग से राज्य सरकार से मिली, ममता बनर्जी सरकार से मिले, उन्होंने ये कहा कि ये तो स्टेट का मैटर ही नहीं, ये सेंटर का मैटर है। अब हम क्या करें, सेंटर स्टेट को बता रही है, स्टेट सेंटर को बता रही है, अब हमें दोबारा सेंटर में जाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि उन्होंने तो मना कर दिया। तब पता नहीं सेंटर क्या बात करे, पर हमें लगता है कि समय आ गया है, अब गोरखालैंड का गठन एज अ 30th स्टेट, 30वां राज्य गठन किया जाना चाहिए और गोरखाओं को सम्मान से मिलना। कुल मिलाकर अभी आप जो राजीव जी की जो बातें सुन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनका एक बहुत ही अहम सवाल जो सवाल कह रहे हैं कि मोदी जी ने उनसे साफ तौर पर एक वादा किया था कि वो सत्ता में आते ही गोरखालैंड राज्य का निर्माण कराएंगे, कि जैसे अभी आपने खुद सुना उन्होंने ये चीज कही है। अब उनका साफ कहना है कि वादा और वादा खिलाफी करना में अंतर है, वादा निभाना और आपकी नियति में भी अंतर है। अब जब तक ये एक बार फिर दोबारा से, जैसे 19 पर भी आपको संदेह है, तो फिर इसके बाद आपका है कि वहां से स्टेट असेंबली का इलेक्शन होगा, उसमें भी फिर ये वादा मिलेगा, तो अब ये लोग ऐसा नहीं चाह रहे, ये एक आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और इसी के चलते अब ये पूरा गोरखालैंड से निकले हुए लोग पूरे देश भर में एक महा अनशन कर एक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं 10 सितंबर को पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में, अलग अलग राज्यों में एक सांकेतिक तौर पर एक संदेश देने का एक मैसेज। आपका इंटरव्यू खत्म हो, इससे पहले मैंने उसको खत्म उस वाले का दूसरा कर लिया, ठीक नहीं, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, 10 सितंबर में नहीं, लाइव है 10 सितंबर को हम देशव्यापी सारे 29 राज्य में G SSS की ओर से महाअनशन कर रहे हैं। हमारा काम है गांधी जी के रास्ते पे चलते हुए लोगों को जगाना, तो 29 राज्य में जब हम देशव्यापी एक अनशन करेंगे, एक दिन का एक महाअनशन होगा, तो लोगों में एक जागरूकता आएगी, लोगों में एक एहसास आएगा कि गोरखों को एक राज्य गठन करना सिर्फ गोरखाओं के लिए नहीं जरूरी है, पहचान हाँ हाँ पहचान के लिए, एक आइडेंटिटी के लिए, एक सम्मान के लिए, जिस प्रकार हर राज्य ज्यादातर जाति के आधार पर बनाया गया हो, पंजाब से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक ज्यादातर राज्य, और सबसे रिसेंटली जो बना तेलंगाना, वो भी एक जाति के आधार पर ही बना है, जबकि हमारी जाति भारत में 1% से ज्यादा है, 1,60,00,000 लगाइए, 1,75,00,000 कहीं लगाइए, तो तकरीबन 1.5% अगर हमारी आबादी है, तो एक राज्य तो मिलना ही चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, इतिहास में क्या रहा उस पर हम ना भी जाएं, तो भी एक राज्य गठन करना बहुत ही जरूरी है। हम किसी भी रूप से बंगाली दिखते नहीं है, खान पान, रहन, हमारे भूषा, हमारा कल्चर, सब कुछ अलग है, तो उस बात को मद्देनजर रखते हुए हम इस आंदोलन को पूरे देश में जगा सके, सारे 29 बहुत ही एक अच्छा मैसेज जाएगा, और ये प्रेशर बिल्डिंग भी होगा सेंटर को, कि ये सिर्फ एक देश के कहीं दूर दराज क्षेत्र में कोने में सिर्फ ये कार्य नहीं हो रहा, पूरे देश में अभी आंदोलन फैल चुका है, तो इस सरकार को भी एहसास हो हम ये कोशिश कर रहे हैं, तो ये हम, और मैं गुजारिश करता हूँ आपके मीडियम से पूरे देश में जो भी लोग इस बात से सहमत हैं कि गोरखालैंड बनना चाहिए, एक अलग राज्य मिलके हमें सम्मानित, हमारे पूरी जाति को होना चाहिए, कृपया आप इस वीडियो को शेयर करें, और जो हम महाअनशन कर रहे हैं इस पे मदद करें हमारी, और साथ दें, जो अपडेट्स है कहाँ होंगे और वेन्यू वगैरह वो अगले 2 दिन में अनाउंस किया जाएगा। आपका इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपके धन्यवाद आपने बातचीत की, ठीक है, आप अपने अभियान में सफल हों, धन्यवाद। कितने मिनट का हो रहे हैं?